हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की सब्जी। देखिए इस तरह से मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। एक चम्मच नमक है, लाल मिर्च है हाफ चम्मच। आप जितना खाती हैं उतना डाल सकती हैं, यदि ज़्यादा खाती हैं तो डाल सकते हैं। घोल के जीरा पाउडर है, थोड़ा सा हमने डाला है, हाफ चम्मच से भी कम है। हल्दी पाउडर है आधा चम्मच और थोड़ा सा तेल है, एक चम्मच के करीब तेल है। देखिए थोड़ा सा एकदम डालना है तेल, देखिए एक चम्मच। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह हम सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। इसे हाथ से मिक्स करने में अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा से मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स हो चुके हैं ये बेसन। अब इसको हम देखिए हमारा बेसन हो चुका है, इसे हमने अच्छी तरह से इसे मैश कर लिया है। अब इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे। गैस को ऑन करके इस तरह से धीमी आंच, एकदम धीम आंच पे करना है, सिम पे, लो फ्लेम पे। इस तरह से धीरे धीरे हम इसको करेंगे। इसे चलाते रहना होगा, नहीं तो हमारा नीचे ये बैठ जाएगा। ऐसे तो ये बैठेगा नहीं क्योंकि नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी हमें इसे चलाते ही रहना होगा क्योंकि अच्छी तरह से चारों तरफ से मैश हो जाए। देखिए हमारा कितना सुंदर है, मेरा बेसन ही हो गया है। अब सब्जी इसको बनाएंगे हम। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे बेसन सारे मिक्स हो गए अच्छी तरह से। देखिए अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। देखिए हमने एक थाली लिया है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डाले हैं। अब इसको इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे थाली में, ताकि हमारा बेसन चिपके नहीं। इस तरह से चारों तरफ फैला लें। देखिए इसे हम एक थाली में निकाल लिए, इसी में जिसमें हमने तेल लगाया था। देखिए इसी तरह हमें हाथ से फैला लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फैल गया हमारा बेसन। देखिए पूरी थाली में इसी तरह से धीरे धीरे हमें हल्का हल्का, हाथ से भी गर्म है, इस तरह से उठा उठा के हाथ को हम थोड़ा करेंगे, इस तरह से देंगे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसका हम पीस करेंगे। तो हम चाकू से कोई भी शेप में काट लेंगे, हम इस तरह बर्फी के शेप में काटेंगे, इस तरह से। देखिए किस तरह अच्छी तरह से बर्फी के शेप में मैंने छोटे छोटे काटे हैं, इस तरह से। देखिए सभी कितने अच्छे से निकल जा रहे हैं, जरा सा ये परेशानी नहीं हो रहा। देखिए इस तरह से, देखिए कितने। अब इसमें हम तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए। इसमें डालने के लिए सब मसाला और सामग्री ये है। देखिए एक टमाटर हमने बड़े से काटे हैं, एक प्याज है बड़ा, और 5-6 लहसुन की कलियां हैं उसको कूट लिए हैं, और ये हमारा मटर है, मटर को हम उबाल लिए हैं, और ये हमारा मसाला है, नमक है, लाल मिर्ची है, नमक 1 चम्मच है, अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। मिर्ची हमने थोड़ी सी डाली है, यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, गोल की जीरा 1 चम्मच, ये गर्म मसाला, ये कसूरी मेथी क्रश कर लिए हैं, और ये हमारा 1 टमाटर है, 1 प्याज है, और 1 इंच के बराबर हमने अदरक को पीस लिया है। छानने के लिए देखिए हमारे सारे कितने अच्छे से निकल के आए हैं ये बेसन के पकौड़े जो हमने बनाए हैं, बेसन के ये पीस, बेसन की सब्जी के लिए। देखिए सारे कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एक भी टूटा नहीं है हमारा, बहुत अच्छी तरह से सारे फ्राई हुए। 4 सूखी मिर्च है, 1 बड़ी लौंग है, 2 लौंग है, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और थोड़ा सा हमने इसका तेज पत्ता लिया है, और दालचीनी का थोड़ा सा हमने टुकड़ा लिया है। इसको इस तरह से हम डाल देंगे, गर्म तेल हमारा इस
डाल देंगे, अब इसमें प्याज डाल देंगे और मसाले पेस्ट डाल देंगे। इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे, इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से ब्राउन, अब इसमें हम डालेंगे पहले ये टमाटर का जो हम काट कर रखे हैं, मतलब ये पेस्ट जो बना कर रखे थे उसको डालेंगे। इसमें भी सारे मसाले इसमें डाल देंगे। दो मिनट इसी तरह से हम इसको भूनेंगे मसाले को। देखिए हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। जैसा ग्रेवी रखना है उसी अनुसार से आप पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो हम मटर डाले थे उबाल के रखे इसको भी डाल देंगे। बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इसमें पानी डाल ताकि बेसन की जो हमारी सब्जी है बेसन वाली उसमें थोड़ा सा सोखता है पानी। एक उबाल आएगा तो उसमें हम ये डाल देंगे, सारे भी पीस हमारे जो है बेसन वाले उसमें हम डाल देंगे। ला चुकी है देखिए ग्रेवी में, अब इसको हम सारे ये जो भी हम रखे हैं काट के बेसन का डाल देंगे। इसमें हम एक एक करके सारे डाल देंगे इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमारी बन के निकली है, ये अच्छी सब्जी, कितना अच्छा सब्जी हमारा बन गया। कम टाइम लगता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। नॉन स्टिक में बनाइए तो और जल्दी बनता है। अब इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे। इस तरह से धनिया की पत्ती से गार्निश कर दीजिए। अब हम सर्व कर रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरा रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो कमेंट ज़रूर करें, और बाय।